हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपना बेसिक बायोलॉजी का जो नॉलेज था वो अपन ने देखा था। बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होता है, किस किस स्टडी की जाती है जीव विज्ञान के अंदर। इसके अलावा अपन ने ये पढ़ा था कि अपना अगर सब्जेक्ट अपना मेन बायोलॉजी होता है तो फिर आपके लिए जॉब के कौन से बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब आगे अपन अपनी जो बायोलॉजी की बुक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या दिया गया है, उसमें जीव जगत की विविधता के बारे में बताया गया है। ठीक है, जीव जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उसमें विविधता पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और इसके अलावा बुक के अंदर ये दिया गया है कि जीव क्या होते हैं, जीव किन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर अपन एक्वेटिक एनवायरमेंट की बात करें, मतलब जलीय वातावरण की बात करें, या फिर अपना टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट होता है, अपना स्थलीय वातावरण होता है, ठीक है, इन सभी की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। जो अपना समुद्री एरिया होता है या फिर नदी जो होते हैं, झरने जो होते हैं, जो एक्वेटिक एनवायरमेंट का मतलब आप समझते ही होंगे, या जो अपना जलीय स्थल जो होता है, ठीक है, जल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े जो ब्लू व्हेल तक है वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। नदियों में जो है वो अपने जो जलीय जीव है वो पाए जाते हैं। ठीक है, स्थल पर भी क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, जीव अगर किसी चीज की अपन बात करते हैं तो उसमें किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, प्लांट्स के बारे में। आपको पता होगा प्लांट्स जो होते हैं वो भी सजीव होते हैं। ठीक है, एंड जो अपने बाकी अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया से लेकर वायरस से लेकर जीवाणु से लेकर विषाणु वायरस से लेकर डायनासोर तक के, मान लीजिए हाथी, बड़े बड़े हाथी जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सजीव हैं। अब जीव जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। कोई कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको अपन लैब के अंदर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इतने छोटे भी पाए जाते हैं। अपने एनवायरमेंट में चारों तरफ फैले रहते हैं, अपने को अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, अपने आसपास भी इतने सैकड़ों क्या होते हैं, जीव होते हैं। उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, उनके अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, तो हम मतलब यहाँ पर अगर अपन अपने लेसन के फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट में ये चीज बताएगी कि जीव क्या है, इसी चीज पर अपन डिस्कस करेंगे। जीव जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण क्यों किया गया है और किस बेस पर किया गया है, जीवों का वर्गीकरण करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है अपन पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट पॉइंट पर अपन डिस्कस करते हैं जीव क्या होते हैं। तो जीव जो होते हैं ना उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जीवों के अंदर क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाए जाते। और वो विशिष्ट लक्षण ही क्या करते हैं, वो विशिष्ट लक्षण ही किसी जीव को निर्जीव से अलग करते हैं। उन्हीं विशिष्ट लक्षणों या फिर उन्हीं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की वजह से अपन क्या कर पाते हैं, सजीव एंड निर्जीव में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो सजीवों के कैरेक्टर की, उन विशिष्ट लक्षणों की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सजीवों में क्या गुण पाया जाता है, सजीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। ठीक है, सजीवों में क्या होती है, ग्रोथ होती है, निर्जीवों में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। अब ग्रोथ किस प्रकार से, जितने भी सजीव होते हैं चाहे वो एक कोशी के हो या फिर बहुकोशी के हो, उनमें क्या होता है, उनकी सेल्स जो होती है वो डिविजन, उनमें डिविजन पाया जाता है। सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उनमें ग्रोथ होती है। अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो टिश्यू या फिर ऊतक जो होते हैं या फिर सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यू निरंतर क्या करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं। बट एनिमल्स जो होते हैं, जीव जो होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें एक निश्चित एज पाई जाती है, एक निश्चित आयु पाई जाती है। उस निश्चित आयु तक उनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। बट वो वृद्धि क्या होती है, अगर अपन कंटिन्यू बात करें, मतलब ग्रोथ की एक एज होती है लेकिन वैसे अपनी बॉडी के अंदर क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। जो अपनी नई सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता रहता है, जो अपनी ओल्ड सेल्स पुरानी कोशिकाएं जो होती है उसकी जगह पर नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ग्रोथ, वृद्धि जो होती है वो सजीवों में पाई जाती है, वैसे वृद्धि जो होती है वो निर्जीवों में भी पाई जाती है। जैसे पहाड़ होते हैं, नदियां होती है, झरने होते हैं, इनका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बट उस ग्रोथ में और उस ग्रोथ में डिफरेंस होता है।
सजीवों की जो ग्रोथ होती है ना वो क्या होती है, अंदर से होती है, अपनी बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है। और निर्जीवों में क्या होता है, अगर पहाड़ की ग्रोथ हो रही है, मिट्टी में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है, बाहर से उसके ऊपर कोई चीज आ रही है, वो उसके ऊपर, मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बाहर से मिट्टी आएगी या फिर उसके ऊपर से कंकर पत्थर अगर आएंगे उसके ऊपर पड़ेंगे पहाड़ के ऊपर, तब उसमें ग्रोथ हो रही है। उसके अंदर से कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बाहर से कोई भी पदार्थ जो है वो निर्जीव वस्तु के ऊपर पड़ता है तब उसमें ग्रोथ होती है, तब उसमें वृद्धि होती है। बट सजीव जो होता है, सजीव की जो बॉडी होती है उसके अंदर से ग्रोथ होती है, उसकी सेल्स जो होती है, उसकी कोशिकाएं जो होती हैं रहती हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, उसकी सेल्स जो है वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। अब सेकंड अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, जो अपना सजीवों का स्पेसिफिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, सजीव जो होते हैं उनमें जनन पाया जाता है। रेप्रोडक्शन की कैपेसिटी किन में पाई जाती है, सजीवों में पाई जाती है। अब ये जो कैपेसिटी होती है निर्जीवों में नहीं पाई जाती, ओनली सजीव ही क्या कर पाते हैं, जनन कर पाते हैं और अपने समान संतति उत्पन्न कर पाते हैं। अब जनन भी दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रेप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रेप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रेप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, ठीक है, और एसेक्सुअल रेप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। तो जो उच्च कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उच्च कैटेगरी के जो जीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें सेक्सुअल रेप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, ओके। एंड जो निम्न कैटेगरी के, लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें अपने मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, एसके हेलमिंथीज, ये क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें एसेक्सुअल रेप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रेप्रोडक्शन के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि विखंडन विधि द्वारा, बहुविखंडन विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा, स्पोर्स जो होते हैं बीजाणुओं के द्वारा, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स के द्वारा उनमें क्या होता है, जनन होता है। तो सजीवों का मेन एक लक्षण अगर अपन बात करें तो क्या होता है, सजीवों में रेप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, जनन करने की क्षमता पाई जाती है, अपने समान वो संतति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव जो होते हैं, निर्जीवों में ऐसी कोई भी क्षमता नहीं पाई जाती है, वो रेप्रोडक्शन की प्रोसेस उनमें नहीं होती है। अगर अपन सजीवों के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सजीवों में क्या होता है, सजीवों के अंदर उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उपापचय क्रियाएं से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि मतलब जितने भी सजीव होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं, उनका शरीर किन से मिलकर बना होता है, उनका शरीर रसायनों से मिलकर बना होता है, केमिकल्स से मिलकर उनका शरीर जो होता है वो बना होता है। और ये रसायन जो होते हैं, ये छोटे बड़े अणुओं या फिर विभिन्न क्रियाएं बॉडी के अंदर करते रहते हैं। और ये रसायन किन में परिवर्तित होते हैं, जैव अणुओं में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन रासायनिक या उपापचयी प्रक्रियाएं ही होती हैं, ठीक है। और ये जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, ये उपापचयी प्रक्रियाएं सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े वेहल, जो समुद्री जीव होता है, या फिर जो अपने टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में जो भी जितने भी बड़े जीव पाए जाते हैं, हाथी, घोड़े वगैरह, इन सभी में मनुष्य के अंदर भी क्या पाई जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ये ओनली सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये मेन डिफरेंस होता है सजीवों में और निर्जीवों में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना बाहर का जो एनवायरमेंट होता है, अपना पर्यावरण जो होता है, उसके साथ संवेदना दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जीव जो होते हैं वो इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता है, उनमें ना तो ग्रोथ पाई जाती है, ना ही उनके अंदर रेप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, ना ही उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस थे, ये थे सजीव और निर्जीवों के बीच में। उसके बाद में अपना जो सेकेंड पॉइंट इस लेसन का आता है, वो आता है जीवों में विविधता का। इसके ऊपर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट भी है ये। जीवों में विविधता से क्या मतलब है, विविधता से मतलब ये है कि अपनी जो ये सृष्टि है, अपना जो चारों ओर का ये वातावरण है, जिस एनवायरमेंट में अपन रहते हैं, इसमें बहुत से जीव पाए जाते हैं, ठीक है। काफी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, स्थल पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर आकार को लेकर या फिर और बाकी जितने भी उनकी बॉडी एक्टिविटीज होती हैं, उनको लेकर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। उनके खाने का तरीका अलग होता है, उनके पीने का तरीका अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं, किस प्रकार से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, वो मैनेज करने का तरीका उनका अलग होता है, ठीक है। ये वेरिएशन पाई जाती है। और क्या होता है कि अब जैसे कि कुछ जीव जो होते हैं वो इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ अदर कंट्रीज में भी पाए जाते हैं।
अब जीव जो होते हैं वो हर जगह पर मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन जीवों का अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक नाम होता है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, कोई भी जीव है या फिर ये मान लीजिए कोई भी पक्षी है, कोई भी बर्ड है, उसको अपन अपनी लोकल लैंग्वेज से, अपनी जो सामान्य भाषा होती है उसको अलग नाम से जानते हैं। किसी दूसरे एरिया में अगर अपन चले जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में अगर अपन चले जाते हैं, तो उसी जानवर को, उसी पक्षी को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर। अब इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी एक बर्ड्स, कोई भी एक जीव जो है उसका एक सर्वमान्य नाम देना, नाम देने की पहल रखी, इसके बारे में सोचा और फिर जो है इस पूरी की पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, जिसका नाम अपन द्विनाम पद्धति जो है, अपने एक प्रणाली आएगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि किस प्रकार से जीवों का नाम दिया जाता है, किस प्रकार से किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो जो टॉपिक आएगा वो अपना आगे आएगा, उस पर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अब वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि भाई अगर किसी भी कोई भी जीव है, कोई भी प्लांट है, अगर उसको अलग अलग, मतलब जहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अपन तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज जानते हैं, वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का सारे वर्ल्ड के लिए एक साइंटिफिक नाम दिया, एक वैज्ञानिक नाम दिया, और वो वैज्ञानिक नाम एक प्लांट का भी होता है और एक एनिमल का भी होता है, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक नाम था ये किस बेस पर दिया गया, ये जीवों की विविधता के बेस पर दिया गया, ठीक है, कि जीवों में वेरिएशन पाए जाते हैं और जीव जो है, कोई भी जीव है उसको अपन मतलब एक नाम से जान सके। अगर गूगल के अंदर अपन जाके सर्च करते हैं वो साइंटिफिक नेम, तो पूरा का पूरा उसका डिटेल अपने सामने आ जाता है। चाहे अपन कहीं भी घूम रहे हो, अदर कंट्री में अपन गए हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहीं भी जाओ, या ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी जीव हैं, उन जीवों में हर एक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है और वो कन्फर्म होता है, उसी वैज्ञानिक नाम से उस जीव को और उस प्लांट को जाना जाता है। और वो जो नेम किसी प्लांट को और किसी जीव को दिया गया है वो किस बेस पर दिया गया है, उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर जो है वो प्लांट्स का और जीवों का किया गया है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं या फिर जीव जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर क्या होता है। तो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे।